एसिडिफाइड केमेनोफोर हाइपो के साथ रिएक्ट करता है, और जब कंडीशंस हम केमेनोफोर के चेंज कर देते हैं, मीडियम चेंज कर देते हैं, तो प्रोडक्ट भी अलग हो जाता है। यहां पे देखिए आप, एसिडिफाइड केमेनोफोर में एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें वो सल्फर प्रेजेंट है जो Na2H2O3 का है, और ये जो न्यूट्रल मीडियम है उसमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसके अंदर सल्फर हाइपो के हैं। तो हमें देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। और सबसे पहले तो हाइपो क्या है, हाइपो फोटोग्राफर साल्ट सोडियम थायोसल्फेट विद 5H2O मॉलिक्यूल जो है। अब फोटोग्राफर साल्ट क्यों है, क्योंकि इस हाइपो का फोटोग्राफी में यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पे हाइपो जो है वो है Na2H2O3.5H2O, और इस हाइपो का दूसरा नाम क्या है, सोडियम थायो सल्फेट, ऑफकोर्स ये पेंटाहाइड्रेटेड होगा और ये फोटोग्राफी में यूज होता है, इसलिए फोटोग्राफर साल्ट। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले जो है केमेनोफोर एसिडिक मीडियम में, तो यहां पे पहले मैं ले रहा हूं Na2H2O3+। अब यहां पे केमेनोफोर ऑब्लिक H+ लिख के ऐसा छोड़ देता हूं। देखिए यहां पे एक ही प्रोडक्ट दिया गया है जिसके अंदर वो सल्फर होगा जो हाइपो का है, तो इक्वेशन कैसे होंगे, एसिडिक है तो 2KNO4+3H2SO4, यहां से मिल जाएगा हमें K2SO4, 2MnSO4, 3H2O, और इसके साथ 5 नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। अब Na2H2O3 हम लेंगे, ये देखिए Na2H2O3 है, यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां से जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो सोडियम डाइथायोनेट बनता है, तो ये हो जाता है Na2H2O6, डाइथायोनिक आयन है इसलिए डाइथायोनेट, सोडियम डाइथायोनेट, तो Na2H2O, और यहां से हमें लेना पड़ेगा 3O, तो ये जो है Na2H2O6 कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में 5 O प्रोड्यूस हुआ है और यहां पे 3O कंज्यूम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, क्योंकि ये 3 है, हमें 3O एंड 5O को 15 बना देना है, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 5 से। तो चलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6 हो गया, ये यहां पे 9 आ गया, 3 6 9, और ये हो जाएगा 15। इस इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये हो जाएगा 5 5 3 15, यहां हो गया 5, और ये देखिए 15O कैंसिल। अब जो फाइनल इक्वेशन होगा वो होगा 6KNO4, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं यहां से, तो 6KNO4+9H2SO4+5Na2H2O3, और यहां से प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 3K2SO4MnSO4, पहले इक्वेशन का जो है 6MnSO4, इसके बाद ये जो है Na2H2O6 हम लिख लेंगे 5Na2H2O6+9W। तो यहां पे X क्या है, X हमारा है डाइथायोनिक, जो आयन बना है उससे सोडियम डाइथायोनेट, तो यहां पे हम लिख देंगे X=Na2H2O6। तो इस इक्वेशन में हमें X मिल गया कब, जब ये एसिडिक है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, जब ये न्यूट्रल है तो क्या होगा, न्यूट्रल में कितने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वहां पे 3O प्रोड्यूस होता है, चाहे न्यूट्रल हो चाहे बेसिक हो, नंबर ऑफ O सेम है, लेकिन जब न्यूट्रल है तो कई जगह बेसिक में रिएक्शंस अलग हो जाते हैं और न्यूट्रल में अलग हो जाते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद मैं सेकेंड इक्वेशन देता हूं न्यूट्रल KNO4 के लिए। अब हाइपो का रिएक्शन न्यूट्रल KNO4 के साथ हम देखेंगे, और इसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसके अंदर हाइपो के सल्फर प्रेजेंट है,
तो चलिए देखते हैं पहला इक्वेशन जो बेसिक होगा वो क्या होगा। यहां पे KMnO4 होगा और न्यूट्रल है, यहां पे वाटर इन्वॉल्व होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है KOH, उसके साथ MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब बैलेंस करके देखते हैं, यहां पे देखिए हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब पोटेशियम 2 हो गया, Mn भी 2 हो गया, तो टोटल जो है 8 and 1 9 ऑक्सीजन है, 2 4 6, तो यहां हो जाएगा 3O, एसिडिफाइड में 5O, न्यूट्रल में 3O। अब यहां पे सेकेंड इक्वेशन है Na2S2O3 प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। अब यहां पे देखिए Na2SO और एक ऑक्सीजन आ जाता है तो ये हो जाता है Na2SO4, यहां से बनेगा Na2SO4 और एक जो सल्फर है वो प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब हमारा एक्स वाई एंड जेड में एक Na2SO4 है और दूसरा सल्फर है। लेकिन अब ये बताइए ये बैलेंस है कि नहीं, Na2 हो गया, सल्फर 2 हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, उतना ही नेसेंट ऑक्सीजन सेकेंड इक्वेशन में होना चाहिए, तो हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 3 सल्फर 3 3 3। अब ये 3O विल गेट कैंसिल, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2KNO4 प्लस 3Na2S2O3 प्लस H2O, ठीक है। अब यहां पे ये हो जाएगा 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3Na2SO4, ये जो सोडियम सल्फेट है ये सल्फर वही है जो हाइपो के अंदर था, एंड प्लस 3S। अब देखते हैं बैलेंसिंग, 2K बैलेंस है, Mn भी बैलेंस है, 6 सल्फर 3 and 3, 6 ऑक्सीजन देख लेते हैं एक बार, 8 9 17 18। अब यहां पे देखिए 8 9 17 1 18, यहां से 2 हो गया, यहां पे 4 हो गया, 6 हो गया और 12 18 बिल्कुल बैलेंस है। तो यहां पे एक किसी को भी हम वाई ले लेंगे, किसी को भी जेड ले लेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि Y जो हमारा है वो है सोडियम सल्फेट और Z जो है ये हो गया सल्फर। अब यहां पे देखिए जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होता है, और -2 से ये हो गया +6 और -2 से हो गया 0, तो दोनों ही केस में ये ऑक्सीडेशन है, तो हम कहते हैं कि हाइपो इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम सल्फेट एंड या सल्फेट एंड सल्फर, तो ये दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट है। जब भी दो अलग अलग कंडीशन हो और प्रोडक्ट्स अलग अलग हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनर हमेशा ट्राई करेगा आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछने का जिसमें अलग अलग कंडीशन हो, जैसे KI, एक जगह I2 मिला, एक जगह KIO3 मिला, यहां पे आपने देखा अलग अलग मिला, तो इसको आप नोट कीजिए।